दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्यूआर कोड जनरेट करके अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको क्यूआर कोड बनाना है और कैसे उससे अर्निंग करना है, सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप किसी चीज का URL उठाएंगे, उससे उसका क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, उसको डिजाइन भी कर सकते हैं, उसमें लोगो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो आपको किसी वेबसाइट का QR कोड आपको जनरेट करना है तो आपको जस्ट उसका URL उठाएंगे और ये URL वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी पैसा आपको देने की इस वेबसाइट पे जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको URL पेस्ट करना है, जैसे ये वाला URL आप उठाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका यहाँ पे QR कोड जनरेट पे क्लिक कर देंगे, आपका QR कोड इस तरह का जनरेट हो जाएगा। कोई भी इसको स्कैन करेगा तो डायरेक्ट यही पेज ओपन होगा जिसका यहाँ पे URL आपने डाला था। फिर उसके बाद टेक्स्ट का भी काम है यहाँ पे, अगर जो कोई टेक्स्ट आप क्यूआर कोड में छुपाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट अगर जो आपको क्यूआर कोड के अंदर रखना है कि कोई स्कैन करे तो उसके सामने ये टेक्स्ट आए, तो ये काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखेंगे, चाहे वो एक पैराग्राफ का हो या फिर 10-20 पैराग्राफ को, यहाँ पे उसको क्यूआर कोड में जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेट कलर, कलर भी सेट कर सकते हैं, लोगो भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको भी बताऊंगा करके। फिर क्यूआर कोड को जनरेट करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप ईमेल लिस्ट है आपके पास, किसी का ईमेल है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या है, मैसेज क्या, सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने दुकान के बाहर या फिर बहुत सारी चीजें देखते होंगे, कोई कंपनीज है या फिर कोई है, डायरेक्ट आपको क्यूआर कोड भेजेगी, उसको स्कैन कीजिए और स्कैन करके आप वो चीज ले सकते हैं, इनका ईमेल ले सकते हैं, उनका ईमेल लिस्ट ले सकते हैं, सब कुछ इसमें बताया गया। तो वो चीज है, जैसे अगर जो आपको किसी ईमेल का, ठीक है, क्यूआर कोड जनरेट करना, तो उस ईमेल का नाम यहाँ पे डालेंगे और जिसको ईमेल भेजना, ठीक है, जैसे स्कैन करेगा कोई क्यूआर कोड को तो उसको एक मेल दिखाई देगा, ठीक है, तो वो मेल कौन सा है उसका सब्जेक्ट डालेंगे, मैसेज डालेंगे, सेम ईमेल वाला चीज यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इसको भी जनरेट कर सकते हैं, किसी फोन नंबर को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई फोन नंबर है उसको क्यूआर कोड में जनरेट करना चाहते हैं कि कोई आके क्यूआर कोड को स्कैन करे तो फोन नंबर मिल जाए, तो वो कर सकते हैं। SMS का है, वी कार्ड का है, कोई वी कार्ड अपना नाम एड्रेस जो भी है, फोन वर्क जो भी है, पूरा डिटेल लेना चाहता है तो पूरा डिटेल उसका भर करके यहाँ पे फिल करके के उसको भी क्यूआर कोड में जनरेट कर सकते हैं। और इस चीज का बहुत ही डिमांड है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये चीज करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद ME कार्ड का है, ठीक है, लोकेशन, किसी जगह का लोकेशन का आप यूज कर सकते हैं, उस एड्रेस को यहाँ पे सर्च करेंगे, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो डाल करके क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा या फिर जिसके लिए आप क्यूआर कोड जनरेट करेंगे वो आपको देगा, ठीक है। फेसबुक का आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल का, उसका डायरेक्ट आप URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे, URL डालेंगे और क्रिएट QR कोड पे क्लिक करेंगे, आपके फेसबुक प्रोफाइल का QR कोड बनके तैयार हो जाएगा। उसके अलावा आप ट्विटर, यूट्यूब, Wi-Fi, इवेंट, बिटकॉइन, Wi-Fi का क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही Wi-Fi वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, Wi-Fi वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे उसका पासवर्ड और यहाँ पे SSID जो है सब कुछ यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई भी स्कैन करेगा उसको पासवर्ड आईडी सब कुछ मिल जाएगा और वहीं से वो कनेक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा आप MP3, वीडियोस, PDF, सोशल मीडिया, ऐप स्टोर, सभी चीजों का आप यहाँ पे QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि किस किस चीज का आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं, अब एक दो QR कोड मैं जनरेट करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट वाला समझा देता हूँ, मान लेता हूँ मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, राइट किया, ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मुझे QR कोड में जनरेट करना है। अभी अर्निंग कितना करना है, कितना होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ, कहाँ से करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सेट कलर का ऑप्शन आता है, जैसे कि ये सिंपल QR कोड है, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल हुआ, इसको डिजाइन भी आप कर सकते हैं, तो डिजाइन के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आपसे, तो डिजाइन कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेट कलर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अब सेट कलर के ऑप्शन पे यहाँ पे सिंगल कलर, अब सिंगल कलर कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे ग्लो ग्रेडियन है, कस्टम आई कलर है, ठीक है, तो तीन मेरा कहाँ का ऑप्शन है, अगर जो यहाँ पे अगर जो आप सिंगल कलर डालेंगे तो सब कुछ सिंगल रहेगा। यहाँ पे कलर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर जो इसका ब्लू है, ठीक है, तो इसको मैं रेड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग जो है वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा, मतलब चेंज भी कर सकता हूँ, ये वाला ऊपर, वो वाला नीचे भी कर सकता हूँ, या फिर कस्टम आई कलर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो कस्टम कलर भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला बीच वाला अलग हो जाएगा और ये ऊपर वाला जो है वो अलग हो जाएगा, ये लाइन जो है वो अलग हो जाएगा और ये आई कलर वाला ये लाइन जो है
वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह का भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये लाइन वाला ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको आई कलर पे एक है तो इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ, सिंपल सा ये वाला कलर दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये कलर आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि कैसा कलर रखना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह का आपके कस्टमर का हो सकता है, यहाँ पे वो बताए कि आपको पीला रखना है, नीला रखना है, तो उस तरह का भी कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड लोगो इमेज, इस पे क्लिक कर देना है आपके पास, या फिर आपका कस्टमर जो है जिसके लिए आप ये चीज बना रहे हैं, कहाँ से कस्टमर पकड़ना मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जो उसके लिए बना रहे हैं, तो वो अगर जो आपको लोगो दे रहा, कोई इमेज दे रहा कि भाई उसका फोटो आप यहाँ पे बीच में लगा दीजिए, तो आप लगा सकते हैं। अगर जो वो नहीं दे रहा, ठीक है, मान लेता हूँ उसको नहीं देना है, वो बोला है कि उसके YouTube का है, उसके Google का है, उसके किसी वेबसाइट का, तो उसका इमेज डायरेक्ट बोला लगाने के लिए, तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, ये तो ये वाला इमेज मुझे लगाना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बीच में आ गया, ठीक है, इसी बीच में आएगा ये चीज। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है कस्टम डिजाइन, सॉरी कस्टमाइज डिजाइन, तो डिजाइन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एकदम शेप आकार का है, इस तरह का, अब इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, ये जो डॉट वाला ऑप्शन है वो इस तरह का, अगर ये बिंदी वाला आप चूज करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई और चूज करना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लेता हूँ मैं बिंदी वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है ये बिंदी बिंदी में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई फ्रेम शेप्स का ऑप्शन आता है। आई फ्रेम शेप्स क्या होता है दोस्तों, जैसे ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको आईज का, ये चेंज कर सकते हैं, इसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं चारों तरफ से राउंड में है, तो इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्किल का आकार दे देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए, ये राउंड से सर्किल में भी चेंज होगा, यहाँ पे ये है, इसी को मुझे जनरेट करना, ठीक है। तो आप सर्किल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिजाइन है, जो आपको पसंद आए वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आई बाल शेप्स, आई बाल शेप्स मतलब दोस्तों ये बीच वाला हुआ, ये फ्रेम शेप्स का मतलब ये राउंड वाला जो बाहर वाला है, और बाल शेप्स का मतलब हुआ दोस्तों ये जो बीच वाला, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं ये वाला राउंड शेप से दे देता हूँ, या फिर आपको दिखाने के लिए मैं ये दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको शेप यही सेलेक्ट करना, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रिएट क्यूआर कोड का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सर्फिंग होगा, क्योंकि ये क्यूआर कोड आपके लिए बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा क्यूआर कोड जनरेट होके तैयार हो गया, जो मैंने सेलेक्ट किया था उसी हिसाब से मेरा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब इसको मैं स्कैन करूंगा, तो मेरा जो ये कंटेंट मैंने लिखा, ठीक है, जो भी मैंने लिखा ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था, वो वाला यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं क्यूआर कोड, जो कि दिखने में लगता भी नहीं है कि क्यूआर कोड है, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लोगों को यही सब चीज पसंद आता है, जो एकदम अलग हो। तो इस तरह का आप यहाँ पे चीजें बना सकते हैं क्यूआर कोड के लिए। इसके अलावा अगर जो फोन नंबर का आपको बनाना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कोई भी फोन नंबर लिखेंगे। फोन नंबर लिखने के बाद दोस्तों उसको सेम कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट करने देता हूँ, ठीक है, इतना। फिर यहाँ पे ऐड लोगो इमेज, तो ये मेरा फोन नंबर है, तो मान लेता हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज डिजाइन का ऑप्शन है, इसको मैं डायरेक्ट ये वाला आकार दे देता हूँ, कोई मैं एक शेप पकड़ लेता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, शेप मैं यही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे ये चीज ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, राउंड बॉल वाला। फिर यहाँ पे क्रिएट क्यूआर कोड का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा ये भी क्यूआर कोड बनके तैयार हो गया। अब इसको मुझे डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके कलर के हिसाब से चूज करेगा, जैसे मैं यहाँ पे सेट कलर पे रेड रखा था और ब्लैक रखा था, इसी को मैं अगर जो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो ब्लैक नीचे ऊपर हो जाएगा और रेड नीचे हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं सेम हो गया, ठीक है। इसी पे मैं दूसरा कलर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, ग्रीन मुझे चाहिए, तो ग्रीन सेलेक्ट कर लूंगा। फिर से यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा, ये देख सकते हैं ग्रीन हो गया। तो ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी आप हाई क्वालिटी में रख सकते हैं, ताकि ये हाई क्वालिटी में जनरेट हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई क्वालिटी में जनरेट हो गया। फिर यहाँ पे किस फाइल में आपको इसको डाउनलोड करना है, पीएनजी फाइल में डाउनलोड करना है, एसवीजी फाइल में डाउनलोड करना है, पीडीएफ फाइल में, तो मुझे मान लेता हूं पीएनजी में ही डाउनलोड करना है, तो इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ना कट करना है ना कुछ करना है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है योर क्यूआर कोड बिगिन जनरेटेड, जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डन हो गया, जनरेट हो गया, और यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड है जो डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया और ये ओपन होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों उस मोबाइल नंबर का क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो गया, और इसको स्कैन करेंगे तो वही मोबाइल नंबर ओपन होगा, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस था दोस्तों क्यूआर कोड जनरेट करने का। अब इससे अर्निंग कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया कि आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं किसी भी चीज का।
आप सभी चीज यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। YouTube, Twitter, Facebook, लोकेशन, ME कार्ड, V कार्ड, SMS, सभी चीज का QR कोड जनरेट कर सकते हैं। अर्निंग करने का सबसे जो फर्स्ट वेबसाइट है दोस्तों वो है फाइबर। फाइबर पे 1949 लोगों का सर्विस अवेलेबल है और यहाँ पे देख सकते हैं जो डिजाइन मैंने आपको बताया था वही डिजाइन यहाँ पे लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये सभी डिजाइन लोग क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक पिंटरेस्ट का और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदा 851 काम किया है और 435 रुपए चार्ज कर रहा है, तो आप कुछ इंटू करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अर्निंग इस बंदे ने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे ने 25 काम किया, इस बंदे ने 44 काम किया, इस बंदे ने 50 काम किया, तो इसी तरह आप भी यहाँ पे काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको QR कोड जनरेट करना है तो आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में एक बात रहता है कि दोस्तों यहाँ पे कि फाइबर पे काम कम मिलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, तो फाइबर ही नहीं दोस्तों इसके अलावा भी आप फ्रीलांसर का यूज कर सकते हैं, फ्रीलांसर वेबसाइट पे भी इस तरह का काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपवर्क का यूज कर सकते हैं, अपवर्क में भी बहुत ज्यादा आपको काम मिल जाता है और यहाँ पे पैसे भी फाइबर से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पीपुल पर हावर के बारे में बताया होगा हर एक वीडियो में, जो इस तरह का वीडियो मैं आपको बताता हूँ फ्रीलांसिंग के बेस पे, उसमें मैंने आपको पीपुल पर हावर वेबसाइट के बारे में बताया होगा। पीपुल पर हावर दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है अगर जो आपको कंपटीशन बीट नहीं करना, तो इसका ट्रैफिक तो कम है फाइबर की तुलना में, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइबर की तुलना में कंपटीशन भी बहुत कम है। तो यही सभी वेबसाइट थी दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।